हेलो फ्रेंड्स, टीच मी डेली के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स, प्रॉब्लम्स और ट्रिक्स डिस्कस करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे यहाँ पर से या फिर यहाँ पर से अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर लें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क टॉपिक से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे, जो कि बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, ए कैन डू अ जॉब इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में करता है। बी कैन डू द सेम इन 5 डेज। बी उसी काम को 5 दिन में करता है। तो इसमें बोला गया है, इन हाउ मैनी डेज दे कैन कम्प्लीट द जॉब इफ दे वर्क टुगेदर। तो कितने दिनों में वो काम कम्प्लीट होगा अगर वो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को करें। तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ए और बी का टोटल वर्क मान लेंगे 1 यूनिट। तो टोटल वर्क हमने मान लिया 1 यूनिट। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए इज 1 डे वर्क इक्वल्स टू 1/10, क्योंकि उस काम को ए 10 दिन में कर रहा था। तो इसका मतलब ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/10। ऐसे ही बी का 1/5, क्योंकि बी उस काम को 5 दिन में कर रहा था। तो इसमें बोला गया है, इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द जॉब इफ दे वर्क टुगेदर। अगर वो एक साथ करते हैं तो ए प्लस बी का वर्क कितना हो जाएगा? ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/5 इक्वल्स टू, इनका एलसीएम आ जाएगा 10, 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, 3/10। तो ए और बी का एक दिन का काम हो जाएगा 3/10। तो टोटल डेज कितने हो जाएंगे? 10/3, दैट इज 3 1/3 डेज। और यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी किसी काम को 4 दिन में करते हैं। ए उसी काम को 12 दिन में कर सकता है अगर वो अकेले काम कर रहे। तो इसमें बोला गया है, इन हाउ मैनी डेज बी कैन डू द वर्क अलोन। तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क हो जाएगा 1 यूनिट। ए और बी का 1 डे का काम 1/4, क्योंकि ए और बी उस काम को करने में 4 दिन लगा रहे हैं। तो एक दिन में वो उस काम का कितना पार्ट कर पाएंगे? 1/4। आगे बोला है, ए उसी काम को 12 दिन में करता है। तो एक दिन में वो कितना कर देगा? 1/12। तो हमसे इस क्वेश्चन में बोला गया था कि बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। ए और बी उस काम का एक दिन में 1/4 पार्ट कर पा रहे हैं। ए अकेले उसी काम को 1/12 पार्ट कर पाएगा एक दिन में। तो बी उस काम को कितने एक दिन में कितना कर पाएगा? बी इज 1 डे वर्क
तो बी का एक दिन का काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए, इससे क्या होगा, इससे हमें बी मिल जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए। तो ए प्लस बी की वैल्यू थी 1/4, ए की वैल्यू है 1/12, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1, 2/12। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे 1/6 आएगा, 1/6, तो बी एक दिन में काम कितना कर ले रहा है, 1/6 पार्ट कर ले रहा है उसका, तो बी टोटल कितने दिन लगाएगा, 6 days, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें बोला गया है ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, ए क्या है, बी से दोगुना एफिशिएंट है, ए एंड बी कैन बोथ वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ वर्क इन 7 days, ए और बी किसी काम को करने में 7 दिन लगाते हैं, देन फाइंड इन हाउ मैनी डेज ए कैन कंप्लीट द वर्क। तो इसमें बोला गया है कि ए उस काम को करने में कितने दिन लगाएगा, सबसे पहले हमें क्या दिया है, ए क्या है, बी से 2 times एफिशिएंट है, 2 times एफिशिएंट है, तो एक ए इक्वल टू 2 भी हो जाएगा, और आगे बोला गया है कि ए और बी किसी काम को 7 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी इक्वल टू 7, तो ए की वैल्यू है 2b प्लस बी इक्वल टू 7, तो 3b इक्वल टू 7, 3b किसी काम को 7 दिन में करते हैं, तो 1b कितने में करेंगे, 7 into 3 दैट इज 21 days। अगर b 21 days में करते हैं तो 2b कितने में करेंगे, 2b इक्वल टू 21/2 दैट इज 10.5 days में, और 2b इक्वल टू था a, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2b के बराबर दैट इज 10.5 days, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने सीखा कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और गूगल प्लस में जरूर शेयर करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ऑनलाइन हिंदी में प्रिपरेशन के लिए आप टीच मी डेली का यूट्यूब चैनल अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।